हाय फ्रेंड्स, आज हम एक स्मार्ट स्विच बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसे बनाने के लिए हमको चाहिए एक 5 वोल्टेज का रिले। आप 12 वोल्टेज का रिले भी ले सकते हो। और इसके बाद एक चाहिए हमें IRFZ44N का ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग पे आसानी से बहुत ही कम कीमत में मिलेंगे। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसके बाद जो हमारा ट्रांजिस्टर है यानी कि जो मॉस्फेट है, तो उसके तीनों लेग को हमें एक शोल्डरिंग आयरन के मदद से इसे शोल्ड कर लेना है। शोल्ड करने के बाद जो दूसरा पिन है, दूसरा लेग है, उसे हमें रिले में कनेक्ट करना होगा। अब इसके बाद एक वायर को हम लोग लेंगे। एक वायर को हमें ट्रांजिस्टर के पहले वाले पिन पर ऐसे कनेक्ट करना होगा ताकि हम लोग इसमें टच कर सकें। आप लोग इस वायर के साथ एक पीसीबी जो होती है, जो ब्लैंक पीसीबी बोर्ड होता है, वीरो बोर्ड भी उसे बोलते हैं, मार्केट में आसानी से मिलेगा। आप लोग उसे टच करने के लिए वहाँ पर एक बोर्ड को ऐसे लगा लीजिएगा, जो कि मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसे टच करके दिखा दूँगा बाद में। अब हमारे पास एक रेड कलर का वायर है, ये है नेगेटिव। यहाँ पर मैं येलो वाला वायर कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन जो रेड है नेगेटिव और जो येलो हम लोग जहाँ कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई देना होगा। तो अब आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर में जहाँ पर हमने येलो वायर कनेक्ट किया था वहाँ पर मैंने प्लस कर दिया है, रिले में माइनस कर दिया है। तो फिर अब जो हमने एक टच स्विच के लिए एक जो ग्रीन वाला वायर हमने कनेक्ट किया था, आपको उसी वायर में रिले को जो रिले में कनेक्ट करना होगा जहाँ पर नेगेटिव सप्लाई हमने दिया था। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ये रिले जो है 5 वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, लेकिन 3 वोल्टेज ही है अभी मेरे पास, 5 वोल्टेज नहीं है। तो अब इसके बाद जो बल्ब का एक वायर है, तो हमने उसका एक वायर रिले में कहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद एक पिन चाहिए हमको एसी में कनेक्ट करने के लिए, एसी के जो पिन कनेक्ट करने के लिए एक उसका वायर है, उसका वायर रिले में कनेक्ट करना होगा। तो अब इसके बाद जो हमने दोनों वायर लिए थे, जो कि एसी करंट में जो डायरेक्ट पिन जाएगा उसका, उसका जो एक दूसरा वायर है उसका वायर हमें एक बल्ब के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा, बल्ब का जो एक वायर है। तो इसके बाद जो हमने एक रिले के अंदर इनपुट कनेक्ट किया था, रिले के अंदर जो एसी करंट का हमने वायर को कनेक्ट किया था वो भी पिन के साथ, तो उसी वायर को हमें रिले के दूसरे वाले पिन पर कनेक्ट करना होगा। तो ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि ये टच करने पर ऑफ हो रहा था, और मतलब ये सर्किट उल्टा काम कर रहा था, तो फिर इसीलिए मैंने इसे दूसरे वाले पिन पर कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर एसी करंट है और आईसी का जो हमारा ट्रांजिस्टर है, मॉस्फेट है, उसमें किसी भी प्रकार का करंट नहीं आएगा। तो आपको, अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको इसे ब्लैंक पीसीबी बोर्ड पर इसे रखकर बनाना होगा। और इसके बाद जो दोनों वायर है, वायर को आपको वीरो बोर्ड छोटा सा टुकड़े काट लेने हैं, टच करने के टाइप से आप उसे टच करके ऑन ऑफ कर सको। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सर्किट को टच करने पे ऑन होता है बल्ब और टच करने पर ऑफ हो जाता है। आप इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो अपने घर पे या फिर कहीं पर भी इसे बना सकते हो। कोई भी चीज़ को आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे कि पानी का मोटर, कोई भी बल्ब, और या फिर आप इसे इसके अंदर एक अलार्म लगा दो बल्ब के जगहों पे। तो फिर प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।